हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटिल वर्ल्ड ऑफ ललिता। कैसे आप सब? होप यू गाइस आर वेल एज लाइक मी। सो यहाँ पे चंदा मामा दिख रहा होगा आपको, छोटू सा, ये देखो। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड अभी टाइम हो रहा है इवनिंग के 6:36। काम हो चुका है घर का, तो मैं आ गई हूँ छत पे थोड़ा सा व्यू देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड हवा भी चल रही है ऊपर से, नीचे बिल्कुल भी हवा नहीं है। जैसा कि आपको पता है, मैं आ चुकी हूँ बुआ के घर से, तो वहाँ का पूरा ब्लॉग आपने देखा। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड अगर नहीं देखा है तो जल्दी से जाओ मेरे प्रोफाइल पर एंड चेकआउट कर लो। ये देखो इस साइड का व्यू, थोड़ा सा सनसेट हुआ ना, तो मतलब वो उसी कलर में जो है दिख रहा है पूरा स्काई। एंड इधर का कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो हाँ, क्या बोल रही थी, हाँ मैं घर आ चुकी हूँ सैटरडे को। मॉर्निंग को ही मैं घर आ गई थी जैसा कि आपको बोला था, बट ब्लॉग डालने में लेट हुआ मुझे। तो एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेट का इश्यू है, तो मुझे ब्लॉग अपलोड करने में 2 दिन लग जाते हैं। सीरियसली मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या करती हूँ, मेरे 1 दिन के डेटा में नहीं पूरता है पूरा ब्लॉग, तो मैं अभी से ट्राई करूँगी थोड़ा सा छोटा छोटा बनाने की। तो 1 दिन का जो डेटा रहता है मेरा, उसमें आधा ही अपलोड हो पाता है एंड हो जाता है आई थिंक, बट मुझे दूसरे भी काम होते हैं उसमें भी यूजेज आते हैं मुझे, फिर मुझे एक्स्ट्रा एड ऑन करना पड़ता है डेटा। तो कोई नहीं, फिर भी अच्छा लगता है मुझे। सैटरडे को घर आ चुकी थी एंड आज है ट्यूसडे, तो मॉर्निंग से मैं केक, मॉर्निंग से ही नहीं आई थिंक 11, हाँ मॉर्निंग से ही पकड़ लो पूरा दिन, मतलब फ्रीली मैंने थोड़ा थोड़ा करके, वाओ केक का ऑर्डर था। पूरे वर्ड्स दिख रहे हैं क्या आपको? चले गए, कितना अच्छा लगता है ना। एंड सनराइज तो इतना अच्छा दिखता है ना कि क्या बताऊँ, पहाड़ों के ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड इधर एक मंदिर, इधर भी एक मंदिर, किधर गया ये रहा काली माता मंदिर एंड ये वाला हरि मंदिर है। सो मतलब बहुत ही अच्छा व्यू है, मॉर्निंग से ही एकदम आंखों के सामने कलरफुल्स आ जाते हैं, तो दिन भी अच्छा ही जाता है। ये देखो बर्ड्स कहाँ जा रहे हैं यार, दिख क्यों नहीं रहे मेरे से, पता नहीं। हाँ सो आज एक केक का ऑर्डर है, ऑर्डर था भी बोल सकती हूँ ना एंड था भी बोल सकती हूँ, क्योंकि ऑर्डर तो आज ही का है, आज ही मैंने कंप्लीट किया है, बट अभी तक केक लेके नहीं गए हैं। मेरे ही फ्रिज में रखा है, पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस नाम लिखना बाकी था। तो उनका कॉल आया था कस्टमर का, तो उनसे नाम वगैरह पूछ के मैंने पूरा कंप्लीट करके एकदम ओके है, बस बॉक्स में डालना है, वो आएंगे उनको दे दूँगी। तो ऑर्डर आज सुबह ही मैंने बनाया है, एक्चुअली उनको फ्रेश केक चाहिए था एंड सुबह से उसी में बिजी थी इसीलिए टाइम नहीं मिला। एंड सैटरडे से क्या कर रही थी, सैटरडे से आई थिंक मेरा वो रेगड़ी वाला एक ब्लॉग अपलोड करना बाकी था, जो कि मैंने आज सुबह ही, आज दोपहर को ही किया है ट्यूसडे को। ये वाला ब्लॉग तो आपको कल मिलेगा, तो मैंने आज दोपहर को ही वो वाला ब्लॉग अपलोड किया है। इसी की वजह से मैंने सोचा कि चलो रहने दो, और भी कुछ मतलब प्रोडक्ट्स के ब्लॉग मैंने क्रिएट करके रखा है, अपलोड करना बाकी है। मतलब कुछ मीशो हॉल भी लाऊंगी आपके लिए, तो कौन कौन एक्साइटेड हो मीशो हॉल देखने के लिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड किस टाइप के हॉल आप देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी अच्छे से बना सकूँ आपके लिए। तो और कुछ नहीं, बस ऐसे ही अभी गर्मी के मौसम में, क्या अभी जल्दी उठती हूँ मैं, ठंडी के मौसम में थोड़ा सा लेट होता था, अभी जल्दी उठती हूँ एंड पूरा दिन कैसे बीत जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। एंड पार्लर के भी कुछ कस्टमर आते रहते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो मतलब पूरा दिन ही बिजी शेड्यूल भी बता सकते हो या फिर कोई कोई दिन ऐसा रहता है कि कुछ करने को ही नहीं है। तो चलो जैसा चल रहा है अच्छा ही चल रहा है, भगवान की कृपा से होप ऐसा ही चलता रहे, मतलब हैप्पीली सभी रह सके अपने अपने लाइफ में, ऐसा ही मैं प्रे करती हूँ डेली। तो अभी और क्या बोलूँ, मुझे ना ऐसे फेस्टिवल्स बोलने में अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है पूरा, मतलब वो जो आता है ना एक डेरिंग, कुछ भी बोल सकती हो आपके सामने, तो वो थोड़ा सा कहीं पे तो भी छुपा हुआ है, उसको बाहर आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड उसको बाहर आने में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है उसको बाहर आने के लिए, वो है आपकी, आप लोगों के प्यार की, आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। जब तक आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तब तक शायद से पता नहीं क्या होगा। हाँ
किसी किसी को ऐसा लगता होगा ना कि ये पागल की जैसा क्या कैमरे के अंदर बोलती रहती है, किसी किसी को क्या, बहुत सारे लोगों को लगता है, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी लगता है वो तो बोलते भी है मुझे कि पागलों के जैसा क्या ऐसे कैमरे के सामने बात करती रहती है। तो मैं बोलती हूँ मुझे अच्छा लगता है क्या बोलूँ उनको, क्या समझाऊँ, समझाने के लिए कुछ है इच नहीं। तो ये देखो चंदा मामा, तो चांद को देख के किस किस को अपनी नानी और दादी की याद आती है, उनके कहानियों की याद आती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो बड़ी याद आती है सबकी, मेरी नानी भी नहीं है, दादी भी नहीं है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करती हूँ। कभी रात को अगर ऐसे बाहर बैठी एंड चांद की तरफ देखती हूँ ना, तो उनकी बहुत ही ज़्यादा याद आती है मुझे, क्योंकि वो जब मैं छोटी थी वो लोग ऐसे, हम लोग मतलब वो रहता है ना गाँव में ऐसा खटिया जैसा लगाते हैं आंगन में, फिर मम्मी वगैरह तो खाने में बिजी रहते थे एंड मैं, मेरे भाई एंड दादी, हम लोग बाहर ऐसे तकिए पे सो के रहते थे एंड दादी जो है बहुत सारी कहानियाँ सुनाती थी, और वो ऐसा भी बोलती थी कि चांद के अंदर एक बुढ़ी माँ रहती है एंड एक ट्री है महुआ का, वो अभी जो मौसम है ना महुआ निकालने के लिए जाते हैं, तो वो बुढ़ी माँ उसके पास एक बेबी या फिर वो बकरे का बच्चा कुछ तो भी रहता है उसको बांध के रखती है और वो महुआ निकालती है। ऐसे 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 कहानियाँ बोलती थी मेरी दादी और हम लोग उस पर ट्रस्ट भी कर लेते हैं, लाइक सीरियसली हम उस टाइम पे कैसे थे है ना, किसी भी बात पे यकीन कर लेते थे, बट अभी वैसा नहीं है। अभी हम क्या, अभी मैं तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई हूँ, अभी सभी के बातों में नहीं आती हूँ एंड किसी को आना भी नहीं चाहिए। हाँ, बट दादियाँ जो है वो अच्छे के लिए कहानियाँ सुनाती थी ताकि हमें अच्छा लगे। सो चलो गाइज, अभी शाम हो चुकी है, मुझे पूजा देने के लिए जाना है, पूजा देती हूँ उसके बाद बाकी का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ एंड देखती हूँ केक लेने के लिए भी कब आते हैं वो। तो चलो तब तक लिए आप पूरा ब्लॉग कंटिन्यूसली देखते रहो। तो चेंज कर लिया है मैंने, अभी चलो आरती कर लेते हैं शाम की। तो आज फर्स्ट टाइम मैं शाम की आरती आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हे गाइस, सो फाइनली पूजा हो गया है एंड आज फर्स्ट टाइम आपके साथ मैंने शाम का जो पूजा का जो मैं करती हूँ डेली वो शेयर किया है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं एंड वो देख रहे हो केक का बॉक्स वहाँ पे रेडी करके रखा है, जैसे आएंगे लेने के लिए वैसे मैं पैक करके दे दूँगी। सो अभी मैं बैठ गई हूँ प्रसाद लेके, घर में कोई बच्चा नहीं है तो अभी मुझे ही खाना पड़ता है एंड मैं ही, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बड़ी बच्ची हूँ इस घर में, तो सभी प्रसाद मुझे ही खाने को मिलता है तो अच्छा लगता है, कभी कभी भूल भी जाती हूँ मैं प्रसाद निकालना। सो सब तो हो गया है, अभी बस कुकिंग करना बाकी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, एक वुमेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम रहता है सुबह शाम खाना बनाओ, तो वही करना है मुझे भी। सो हे गाइस, ये रहा केक, तो अभी आ गए हैं लेने के लिए, तो चलो मैं उनको पैक करके दे देती हूँ। So, कैसा लगा आपको पूरा वीडियो एंड ये केक आपको कैसा लगा, ये वाला डिजाइन मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है डोरेमोन केक एंड अभी जो है ये वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ एंड रात के खाने में जो था आज मट्ठा एंड चिकन बनाया था,
थोड़ा सा उसका भी आपको दिखा रही हूँ। सो होप आपको ये पूरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चिकन बहुत ही टेस्टी बना था, मैंने बनाया था। एंड ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मिलते हैं नए कोई ब्लॉग के साथ।